दुनिया भर में मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के साथ दिक्कत ये है कि वो कहीं पर भी किसी भी देश में हो, वो ये चाहते हैं कि उनके देश की सरकार बस इसराइल के साथ रिलेशंस ना रखे, इसराइल के ऊपर कोई कार्रवाई करे और उसके ऊपर कोई एक्शन ले। और नोटिस करने वाली बात यह है कि लोकतांत्रिक देशों में ये डिमांड ज्यादा उठती है, क्योंकि ज्यादातर मुस्लिम देशों में तो तानाशाही और अथॉरिटेरियन रजीम है। शरिया कानून के चलते वहां पर इनको सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने या फिर सरकार की आलोचना करने तक का अधिकार नहीं होता है। धर्म के ऊपर तो ये लोग कभी भी अपने देश को नहीं रखेंगे। इनको पता होगा कि देश का ज्यादा फायदा इसराइल के साथ अच्छे रिलेशंस रखने में होगा, देश की सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए इसराइल के साथ दोस्ती जरूरी होगी। लेकिन तब भी ये लोग चाहेंगे कि देश चाहे बाहर में, इसराइल से कितने फायदे होंगे उस चीज से इनको कोई भी मतलब नहीं है, बस क्योंकि गाजा के लोग भी मुस्लिम्स हैं इसलिए इसराइल के ऊपर एक्शन लिया जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशंस धर्म देखकर कभी नहीं होते हैं। अगर होते तो मिडल ईस्ट में मुस्लिम देश ही आपस में सबसे ज्यादा नहीं लड़ रहे होते। और ऐसा नहीं कि डेवलप्ड देशों में जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग वहां पर रह रहे हैं वो अपने देश के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को समझते हैं, वो थोड़े बहुत पढ़े लिखे होंगे और उनकी लॉजिकल और रैशनल सोच होगी। सेम चीज अमेरिका जैसे डेवलप्ड देशों की मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की भी है। आज हम इसके ऊपर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका में मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स ने इसी बात के ऊपर कमला हैरिस का विरोध करना स्टार्ट कर दिया है। इवन पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और साउथ एशिया के बाकी देशों से जो भी मुस्लिम्स अमेरिका में सेटल हो गए हैं वो भी कमला हैरिस को टारगेट कर रहे हैं। आज की डेट में इसराइल गाजा में इतिहास का सबसे लंबा सैन्य ऑपरेशन चला रहा है। 41,700 लोगों की जान चली गई है जिसमें ज्यादातर हमास के आतंकी हैं। लेकिन अभी भी अमेरिका लगातार इसराइल को हथियार सप्लाई कर रहा है, इसराइल को फाइनेंशियल एड देकर काफी सारे पैसे दे रहा है। इसी कारण से अमेरिका के मुस्लिम लीडर्स जिन्होंने साल 2020 में जो बाइडन को जिताने में अहम भूमिका निभाई थी वो अब कमला हैरिस को सपोर्ट करने से इनकार कर रहे हैं। साल 2020 में अमेरिका की मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने जो बाइडन को काफी सपोर्ट किया था। मुस्लिम कम्युनिटी के 71% रजिस्टर्ड वोटर्स ने जो बाइडन को वोट किया था, केवल 25% के आसपास डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया था। उससे पहले साल 2016 में भी 82% मुस्लिम वोटर्स ने जो बाइडन की डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट किया था। अमेरिका के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी का सपोर्ट जो बाइडन की डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि कई बार जो बाइडन इसराइल की आलोचना भी करते हैं और एंटी इसराइल स्टेटमेंट भी देते हैं। आने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए मुस्लिम लीडर्स की सपोर्ट कमला हैरिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 70-80% वोट बैंक किसी भी देश में बहुत ही मायने रखता है। अगले महीने 5 नवंबर को अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने हैं जिसमें पूरे एक महीने का समय रह गया है, लेकिन अभी तक अमेरिका के बड़े मुस्लिम लीडर्स ने कमला हैरिस को एंडोर्स नहीं किया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि कमला हैरिस ने अमेरिका के बड़े बड़े मुस्लिम लीडर्स का सपोर्ट हासिल करने के लिए एक मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में कमला हैरिस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर फिलिप गॉर्डन ने मुस्लिम लीडर्स और अरब लीडर्स से सपोर्ट हासिल करनी थी, लेकिन अमेरिका के काफी सारे बड़े बड़े मुस्लिम लीडर्स ने इस मीटिंग को अटेंड करने से इनकार कर दिया है। जबकि कुछ मुस्लिम और अरब लीडर्स जो मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए आए थे उन्होंने कमला हैरिस और जो बाइडन से नाराजगी जताते हुए अपनी कड़ी शर्तें सामने रखी हैं। लेबनान रीजन के लीडर अली डागर ने मीटिंग को बॉयकॉट करते हुए कहा कि कमला हैरिस का ऑफिस जो भी कदम उठा रहा है वो पर्याप्त नहीं है और अब उनके सपोर्ट करने के लिए काफी देर हो गई है। इसराइल ने गाजा और लेबनान में कई सारे मासूम लोगों की हत्या की है जिसके ऊपर जो बाइडन और कमला हैरिस ने पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं, इसलिए वो कमला हैरिस को बॉयकॉट कर रहे हैं और एंडोर्स नहीं करेंगे।